जय गुरुदेव। जटाधारी नारियल। एक ऐसा शक्तिशाली नारियल होता है जिसका प्रयोग करने से हमारा व्यापार जो है वो इतनी तेजी गति से चलने लगता है, और तो और वही उपाय यदि घर में हम कर लेते हैं तो घर में हमारे परिवार में जो भी समस्याएं, बाधाएं, रुकावटें और पैसों से लेकर समस्या जो चलती है उसका अत्यंत निवारण हो जाता है। यानी कि आपको एक हफ्ते में ही उसका फायदा नजर आने लगता है, और तो और व्यापार में इतनी उन्नति दिलाता है। यदि आपका व्यापार रोज का है, यानी बहुत से लोगों का व्यापार ऐसा होता है जैसे किराने की दुकान हो सकती है, कपड़ों की दुकान हो सकती है, ज्वेलरी की दुकान हो सकती है, ऐसा यदि आप व्यापार करते हो जिसमें रोज ग्राहक आते हैं और रोज आपका व्यापार चलता है मगर किसी कारणवश कम चलता है, इतने ग्राहक आते नहीं है और आते तो कुछ खरीदते नहीं है, ऐसी अनेकों समस्याएं जो है वो आती रहती है। मगर यह जटाधारी नारियल का उपाय यदि आप कर लो, उसके बाद में जो आपका व्यापार है वो इतनी तेज गति से शुरू होना प्रारंभ हो जाएगा, ग्राहक जो है वो इतने आने शुरू हो जाएंगे कि आप उन्हें कहेंगे कि आज नहीं कल आपका कार्य होगा। इतना शक्तिशाली यह उपाय है। उपाय में आपको कोई ऐसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको उपाय की सामग्री जो है वो 200 से 300 रुपए में आपको मिल जाती है, मगर विशेष बात यह होती है कि उपाय करने का जो निर्धारित समय होता है उसी समय आपको यह उपाय करना चाहिए, और जो हम आपको दिन बताते हैं उसी दिन आपको यह उपाय करना चाहिए, क्योंकि हर चीज का कहीं ना कहीं समय से बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके से हमें यह उपाय कौन से समय करना है, कितने बजे करना है, कौन से वार को करना है। फायदे तो आपको बहुत होने वाले हैं, यह सोच लीजिए, अच्छे से बात को समझिएगा, उपाय को ध्यान में रखिएगा। यदि आप भूल जाते हो तो कागज पेन लेके यदि आप बैठ जाओ, जैसा जैसा हम बताते हैं वैसा वैसा एक बार लिख लो, उसी समय आपको यह उपाय करना है। ये सामग्री है वह भी आप लिख लीजिएगा। तो उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है, कोई भी शुक्रवार चल सकता है, ऐसा कोई निर्धारित या ऐसा कोई तिथि के हिसाब से कोई शुक्रवार के दिन नहीं करना है, किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हो। शुक्रवार के दिन यह उपाय आपको 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में करना है। कितने बजे से लेकर? 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपको यह उपाय करना है। सामान की आवश्यकता क्या क्या पड़ेगी? आपको लाल कलर का कॉटन का कपड़ा लेना है, लाल कलर का कॉटन का साबुत कपड़ा आप बाजार से अवश्य खरीद के आइए, 15 से 20 रुपए में छोटा टुकड़ा उसका आपको मिल जाएगा। और आपको छोटी सी अत्तर की शीशी लानी है, और एक नारियल जिसे जटाधारी नारियल किसे कहा जाता है, जो अखा नारियल हो, छिला हुआ नहीं चाहिए, पूरा अखा नारियल हो, पानी वाला हो, अच्छा नारियल हो, जितना तंदुरुस्त नारियल बोला जाता है अच्छा नारियल आप ढूंढ कर लेके आइए। आपको शुक्रवार के दिन शाम के समय में 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में उपाय करना है। आप 6:15 बजे प्रारंभ कर दीजिए यह कार्य करने का। आपको क्या करना है, आपका जो व्यापार स्थल है जहां पर काउंटर बोला जाता है या कोई ऑफिस का टेबल हो, वहां पर आप उस कपड़े को बिछा दीजिए, उसके अंदर वह नारियल आप
रख दीजिए। सबसे पहले कुमकुम की एक तिलक कीजिए। आपके पास चंदन है तो अति उत्तम है, चंदन की एक तिलक कीजिए, एक कुमकुम की कीजिए, एक चंदन की कीजिए। उसके बाद में हाथ में इत्र लीजिए और नारियल को दोनों हाथों से साइड में, आपको जहां पर तिलक किए उनके दोनों के साइड में आपको इत्र थोड़ा थोड़ा लगा देना है। फिर थोड़ा उत्तर उस कपड़े पे डाल दीजिए। इतना आपको करना है शुक्रवार के दिन। और उसमें दो गांठ लगनी चाहिए। कितनी? चार कॉर्नर होते हैं ना कपड़े के, चारों में से एक गांठ इधर एक गांठ है, दो गांठ आपको लगानी है, नारियल पूरा बंध जाए ऐसे। व्यापार स्थल के कॉर्नर जो होते हैं, दुकान के कोने होते हैं ना, उसी तरीके से चारों कोनों में उसे घुमाना है नारियल को। घुमाकर कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हम बताते वही कीजिए। घुमाकर आपको आप जिस जगह पर पैसे रखते हो, गल्ला बोला जाता है, उसके अंदर आप थोड़ी देर रखिए नारियल को। रखकर दो अगरबत्ती जलाइए, उसमें आपको अगरबत्ती को क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। अगरबत्ती को कहीं आप जहां मंदिर हो वहां पर रख दीजिए। वो नारियल को उठाकर आपके गल्ले में यदि आ जाता है तो गल्ले में रख दीजिए, यदि नारियल बड़ा है नहीं आता तो उसके ऊपर रख दीजिए जहां पर आपका कैश काउंटर है। शुक्रवार के दिन ये आपने उपाय कर लिया। शनिवार के दिन आपको आना है, जो हमारा प्रवेश द्वार होता है, जैसे दुकान का मुख्य द्वार होता है, जैसे दुकान में दरवाजे है तो दरवाजे के पीछे लगाना है और शटर है तो शटर के पीछे, मगर ऊपर कोने में एक कील लगा दीजिए, उसमें आपको ये टांग देना है नारियल। नारियल का पानी जैसे जैसे सूखेगा वैसे वैसे आपके व्यापार का ग्रोथ जो है वो इतना तेजी से बढ़ने लगेगा कि आप सोच में पड़ जाओगे कि इतने ग्राहक आ रहे हैं, हमें समय नहीं है आपका कार्य कैसे करें, इतना आपको लाभ होने लगेगा। इतना आप कार्य कर दीजिए, मगर नारियल जब तक लटका हुआ है तब तक आपको क्या करना है, घर से लाओ तो घर से या बाजार से। गाय को हमारी पेड़ी होती है, जो हमारा दुकान है उसके सामने गाय को कुछ ना कुछ खिलाइए, चाहे थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा खिला दीजिए या बिस्किट खिला दीजिए या रोटी खिला दीजिए, कुछ ना कुछ रोज खिलाना है। कब करना है यह खिलाने का उपाय? सुबह दुकान खोलते हो उसी समय आप वस्तु लाके रख दीजिए, जैसे ही गाय दिखे गाय को हमारे दुकान के सामने बुलाइए और उन्हें खिलाइए। इतना कर दीजिए, फिर देखिए आपका व्यापार की गति कैसे बढ़ती है।